स्वामी की जय। लज्जा दया संयम बंब चेरम कलाण भागेश विसोहि ठाणम जे में गुरु संयम मनुषाशयन्ति ते हम गुरुम संयम पूयामि ते हम गुरुम संयम पूयामि। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात ये कितना सुंदर है शासन, ये कितना सुंदर है शासन, प्रभु महावीर का शासन, ये शासन उत्तम सुंदर है, चले आना मधुरतम है, चले आना मधुरतम है, ये कितना सुंदर है शासन, प्रभु महावीर का शासन, ये शासन सत्यम सुंदर है, चले आना मधुरतम है। बहुत अच्छी बात है, हम लोग यहाँ पर श्री रतनलाल जी गोलछा, श्रीमती निर्मल गोलछा जी, श्री शैलू जी, श्री ऋतु जैन जी और गर्वित मेरे साथ में ये पूरा परिवार पिछले 5-6 सालों से यहाँ देख रहे हैं कि पक्षियों को दाना डालते हैं, 2 से 3 बार डालते हैं। निर्मल जी से ही पूछते हैं कि किस तरीके से ये इन्होंने शुरू किया, किस तरीके से इनकी प्रभावना हुई। निर्मल जी स्वागत है, बताइए किस तरीके से ये शुरू किया आपने काम को। बोलो। अच्छा रतनलाल जी से, मैं पिछले कई सालों पहले महावीर भवन महावीर जयंती के पर्व पर दादाबाड़ी गया तो वहाँ पर लोगों को सिकोरा ले जाते हुए व दाना ले जाते हुए देखा तो वहाँ पर घोषणा की जा रही थी कि सब अपने घर में पक्षियों की सेवा करें, उनको दाना खिलावे, उनको पानी पिलावे। उससे प्रभावित होकर मैं भी वहाँ से सिकोरा लाया और दाना भी लाया और उसको डाल के देखा, धीरे धीरे पक्षियों का जमावड़ा शुरू होने लगा तो फिर मैंने अपने हिसाब से इनको दाना डालना शुरू किया तो आज की तारीख में सैकड़ों पक्षी मेरे घर पर आते हैं और दाना चुगते हैं, वो भी 3 बार, दिन में 3 बार दाना डालता हूँ। और कभी अगर प्रवास में बाहर जाने का काम भी पड़ जाता है तो मैं अपने परिवारजनों को बोल जाता हूँ कि पक्षियों को दाना डालना बिल्कुल मत भूलना। बहुत अच्छी बात है रतनलाल जी, मैं बीच में गड़बड़ हो रहा था, मैं निर्मल, श्रीमती निर्मला जी हैं वो, तो रतनलाल जी से बात करना था। ये बहुत अच्छा लगता है कि पिछले, निर्मला जी से पूछते हैं कितने सालों से ये कार्य चल रहा है और कैसे ये कर लेते हैं परिवार सहित। पिछले 5-6 वर्षों से ये दाना डालने का प्रेरणा हमें महावीर भवन महावीर जयंती कल्याणक से ही मिली थी, किंतु इससे पहले हमको क्या खींचन से भी हजारों वहाँ पर पक्षियाँ जो देते हैं दाना, उसको भी देख करके ऐसा लगता था कि श्रीमान मालू जी हजारों टन वहाँ पर सभी का वहाँ पर दान से जो चलते हैं उसको दिया करते हैं। तो मैं बोली आपका भी नाम रतन लाल जी है तो आप भी छत को कम से कम उन्हीं के नाम से ही कम से कम आप भी दाना डालना चालू कर दीजिए ताकि पक्षियों को बहुत शांति मिले और दान यही बहाने दान होगा। और जैसे कभी हम लोग चले भी जाते हैं तो हमारा गर्वित है, शैलू है, पूरा ध्यान रखते हैं कि मतलब ऋतु है कि सब छात में पापा जी दान आज डाले नहीं है तो टाइम पर डाल दो। और तो और हमारी जो काम वाली बाई है ना वो भी अपने मन में रखती है, काम दस्त रहेगा फिर भी छोड़ करके छत पर आ करके वो अपना दान डालते हैं। और वो इनका तो स्वभाव ऐसा है कि बच्चों जैसा, जैसे मान लो जिस दिन नहीं खाए हम लोग सबको बोल देते हैं क्या 3-3 बार दे करके उनको प्रमाद कर देते हो, तो बोलते नहीं वो जब तक नहीं खाते मेरे को खाना नहीं भाता है ऐसा। बिना पक्षियों को दाना, अभी सैलू भैया बैठे हैं, हम लोग यहाँ आ गए थे तो डर की मारे से सब पक्षी उड़ गए कि नए लोग हैं हम लोग इस वजह से नहीं दिख पा रहे हैं कि समय भी हो गया है, हमें 2 बजे का समय दिया गया था। ऋतु जी हमारे साथ में है, वकील हैं, तो अभी जो है अभी हम लोग यहाँ पर एक तरीके से आरोपी तो नहीं कह सकते पर पक्षियों के लिए आरोपी हो सकते हैं कि सैलू जी का आरोप है कि पक्षियों को हम लोग ने उड़ा दिया कि उनके खाने में व्यवधान लगाए। अगर हमारा पक्ष लेना हो तो क्या कहेंगे अगर आपके जो ससुर हैं और सास हैं। मैं देखा था कि श्रीमती निर्मला जी का भाव ही, उनसे बात करने के बाद में ही ऐसा लगता था कि कितना स्नेह उनके मन में, कितना वात्सल्य है परिवार का। मैं परिवार के बारे में भी जानना चाहूँगा रतनलाल जी से, क्या परिवार है आपका। हमारे 3 बेटे हैं जी जी और 2 पोते हैं जी जी और बड़ी बहू एडवोकेट है जी और दूसरा बेटा सेकंड नंबर वाला जो आर्थोपेडिक सर्जन है और उसकी वाइफ जो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट है
और सबसे छोटा बेटा डेंटिस्ट है और बड़ा बेटा जो है अपनी वाइफ के कार्य में सहयोग करता है। बहुत अच्छा परिवार है, पढ़े लिखों का परिवार है, गर्वित और नैतिक। दो बच्चे हैं, रितु जी वकील भी हैं। तो क्या वकालत करती हैं, तो आज जो धर्म कार्य की प्रभावना होती है, धर्म कार्य का जो सुकून मिलता है, उनसे बड़ा लेक्चर तो देते हैं वहाँ पर। क्या कहेंगे सामाजिक गतिविधियाँ धार्मिक में? आपने एक बात बोली कि आज हम पक्षियों के लिए आरोपी हैं, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हम पक्षियों के लिए भी आरोपी हैं। आप देखेंगे सामने दो पक्षी जोड़े में बैठे हुए हैं, रास्ता ही देख रहे हैं कि हम कब यहाँ से जाएं और वो आएं। और धर्मकारी की प्रेरणा हमारे परिवार में सबको मम्मी ने ही दी है। बच्चों को सिखाना, बड़ों को सिखाना, यहाँ तक कि पापा जी को भी धर्म लाइन में जोड़ने वाली प्रेरणा स्रोत मम्मी ही है। बहुत अच्छी बात है कि कहते हैं कि एक नारी दो परिवार को संभालती है, दो परिवार का एक, जहां अपने माता पिता के पास में भी रहती है। आपको छत्तीसगढ़ी भी बहुत अच्छी आती है, क्योंकि राजनांदगांव के पास में कोई गांव है, वहां के रहने वाली है, बहुत अच्छा है। रतनलाल जी को भी आती है, सैलू भी हमारे साथ में है, गर्वित साथ में। गर्वित बेटे कैसे, आप दादाजी नहीं रहते तो सहयोग करते उस काम में, कैसे करते हो आप जाने का? दादाजी चले जाते कहीं पे तो मेरे को पहले एक रात बता दिए रहते हैं कि इस टाइम में डालना है। मैं ऊपर आता हूँ, डाल देता हूँ, फिर पानी वानी जैसा रहता है उसमें डाल देता हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है ये जी। कितना पढ़ते हो बेटे? मैं क्लास 9th में हूँ। क्या करोगे आगे बढ़ के, क्या पढ़ना, क्या करना चाहते हो? बनना पुलिस ऑफिसर है। मम्मी की चाहती है कि मैं जज बनूं। अच्छा, समय ऊपर दिखाए। अच्छा, धर्म के बारे में अभी आप तो स्थानक वासी हो, क्या कुछ आता है आपको? मेरे को मेरी दादी ने बहुत कुछ सिखाया है बचपन से ही। शुरू से सामायिक सिखा दी, प्रतिक्रमण सिखाए है, दशकालिक और भी दो तीन चीजें सिखाई है। कुछ बताना चाहोगे, कुछ बताइए हमको आज, दो लाइन कुछ सुनाइए, क्या दो लाइन सुना सकते हैं? मेरे को बहुत कुछ सिखाए है, बाकी अभी जो थोड़ा बहुत समय के हिसाब से बोलना चाहूंगा। धम्मो मंगल मुखिटा महीन से संजमो तवो देवा वितम नमम संति जैसे धम्मे साया मनो। बहुत अच्छी बात है, आप पूरे परिवार की अनुमोदना, भगवान महावीर जन्म कल्याणक समिति की तरफ से भी आपकी अनुमोदना, श्री महेंद कुचर जी, श्री चंद्र शाह जी, सुशील कुचर जी, विजय चोपड़ा जी, कमल भंसाली जी भी की इस काम में हम सब लोग को लगाया है। पक्षी नहीं आया है, लेकिन मैंने खुद प्रमाण मैंने देख लिया है कि बहुत सारे पक्षी आते हैं, और इसका लगातार पिछले सर्दी गर्मी बारिश में भी आते हैं रतनलाल जी। हाँ जी, हाँ जी, बारिश में तो 5-6 टाइम आते हैं, और जब जब बारिश रुक जाती है तब आ जाते हैं ना। हाँ, बारिश रुकने के बाद और बदली के समय में वो 5-6 बार खाना खाने आते हैं। बहुत अच्छी बात है कि पिछले लगातार चल रहे हैं, और भगवान महावीर जन्म कल्याणक का एक बड़ा प्रभाव है कि जिसने भी लगाया उस समय में, स्टॉल लगाया, सकोरे और जो हम लोग दाना डालते हैं, उसका प्रभाव, एक आदमी भी कहते हैं कि अगर आपकी बात से जीवन बदल जाता है तो आपका जीवन बदल गया। किचन आपने बताया, जयपुर में भी आपने देखा, तो रतनलाल जी का नाम निश्चित रूप से श्रीमती निर्मला जी की वजह से कि बड़ा स्नेह और वात्सल्य रहता है। आप सब लोगों ने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। भाई नरेंद्र ठाकुर अंटू भाई भी हैं, वो भी समय देते हैं, उनका भी धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ और जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर।